फ्रेंड्स, आज मैं छत पे आया था संदीप भैया की, तो भैया एक्चुअली कल थे नहीं, तो इन्होंने जाल लगा के छोड़ दिया था और किसी और ने दाना डाला था, तो एक जंगली कबूतर यहाँ पे फंस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ और उसे निकालते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जंगली कबूतर बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस गया है जाल में, और भैया इसको निकाल रहे हैं। लाइए मैं हाथ ये पकड़ ले रहा हूँ। ये लग रहा है या तो शाम से हिलगा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना शरीर छोड़ चुका है, बहुत पतला हो रहा है इस समय। कभी भी फ्रेंड्स ऐसे जाल लगा के नहीं छोड़ा करिए, अगर छोड़ें भी तो ध्यान रखा करिए कि कोई कबूतर वबूतर इसमें ना फंस जाए। आप देख सकते हैं कबूतर बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, किसी ने इसे वो पना रखी है चूड़ियाँ, और किसी का हिला हुआ कबूतर है ये, किसी का हिला हुआ जंगली कबूतर है ये, और ये इसमें फंसा हुआ मिला है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अंदर छोड़ेंगे, टांग कौन टूट गई इसकी, एक बार इसकी टांग टूट गई ना शायद, इसकी टांग फ्रेंड्स लग रहा है अलग हो गई है, ये टूट गई है टांग फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी ये वाली टांग टूट गई है इसमें हिल गया रहने की वजह से। इसको अभी जाल में छोड़ते हैं, इसे देखते हैं ये कैसा है, और अगर ये सही होगा तो इसे दाना पानी खिला के उड़ा देंगे, क्योंकि ये जंगली कबूतर है, और इसकी चूड़ियाँ ये इसकी है उतार देंगे हम और इसे आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये जंगली है, किसी ने या तो हिला रखा है या किसी ने ऐसी पहना दी है इसे। फ्रेंड्स ये देखिए इसकी टांग टूट चुकी है, और भैया इसकी पहले चूड़ियाँ निकाल रहे हैं पैरों की, किसी ने पहना रखी थी इसे, तो ये निकालने से हो सकता है थोड़ा बहुत इसे रिलीफ मिले। मैं जंगली कबूतरों को ये सब मत किया करिए, जंगली कबूतरों के साथ इनको चूड़ियाँ उड़ियाँ मत पहनाया करिए। देखिए कितनी बुरी तरीके से जाल में फंसा था, हो सकता है ये कल रात का फंसा हुआ लटका हो यहाँ, लग तो इसके हालात देख के ऐसी रहा है, पूरी रात ही लटका रहा, क्योंकि जिस हिसाब से कबूतर कमज़ोर हो जाता है उसी तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इस समय। आदत भी नहीं होती इनको, इनको आदत नहीं होती चूड़ियों की, और ये फंस गया था। और इसकी आपको टांग दिखा रहा हूँ, ये वाली टांग ये देखिए आप, मैं आपको अंगूठे से हिला के दिखा रहा हूँ, ये टूट गई है, और अभी इसे अंदर छोड़ते हैं, भैया जाल खोल रहे हैं, फिर इसे अंदर छोड़ते हैं और देखते हैं ये टांग टूटी है नहीं, क्या करना है इसके साथ, अभी हम लोग देखते हैं, फिर इसे छोड़ देंगे। संदीप भाई जाल खोल रहे हैं और इस कबूतर को, पहले जंगली को अंदर छोड़ के देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी टांग टूट गई है, बिल्कुल बिल्कुल टांग टूट गई है इसकी, हो जाएगा ठीक, इसको कोने में जब बैठा, इसको अभी दवाई देंगे उसके बाद छोड़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस कबूतर को दवाई दे देते हैं, वैसे तो इसकी टांग शायद टूट गई है, लेकिन पेन किलर इसे दे दिए, और अब इसे थोड़ा सा दाना भैया इसको खिला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं भैया ये दाना लाए हैं इसके लिए, मोटा दाना थोड़ा सा इसके मुंह में डाल रहे हैं, और अब इन्हें दाना खिला के हम इसे छोड़ देंगे। इसका पेट भर आ रहा है भैया, क्योंकि ये रात भर हो सकता है परेशान रहा हो, तो थोड़ा सा इसे दवाई से रिलीफ मिल जाएगा और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जंगलियों में का कबूतर है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आज़ाद रहेगा तो ज़्यादा जल्दी ठीक होगा, इसलिए दाना खिला के इसे हम उड़ा देंगे। और ये हमारे अरमान भाई आ चुके हैं पीछे से, ये देखिए लंगड़ा रहा है, टूटी नहीं है टांग, दर्द है खाली, हमने अभी इसे जाल में खोल के चेक कराया, बस थोड़ी देर इसे बैठा रहने देंगे यहीं पे, उसके बाद इसे जाल से बाहर निकाल देंगे। आइए आपको दिखाते, छोड़ दूँ इसे बाहर, छोड़ दूँ, थोड़ी देर ही रहने दूँ। फ्रेंड्स ये ठीक हो गया है, इसका थोड़ा दर्द कम हुआ है और हम इसे अब छोड़ देंगे, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा है, तो ये अभी जाल में ही रहेगा और बाद में इसे हम रिलीज़ कर देंगे शाम को, तब तक ये जाल में बैठेगा आराम से।